वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन माय बैग नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्टूबर 2013. अक्टूबर 2013 स्टूडेंट क्वेश्चन काफी ज्यादा सिमिलर है अप्रैल 12 से, लास्ट वन से. इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो ऑफर प्राइस नॉट गिवन. तो जब ऑफर प्राइस आपको नहीं दिया है तो ऑफर प्राइस एज वेल एज नंबर ऑफ शेयर्स दोनों ही फाइंड करना है. क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2013. लाइबिलिटी और एसेट्स 40,000 इक्विटी शेयर्स 100 से, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, 11% डिवेंचर, क्रेडिटर, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है एंड वी हैव द बैंक बैलेंस. क्वेश्चन में इसने बोला है ऑन द सेम डे इट वॉज डिसाइडेड टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द मैक्सिमम प्राइस पॉसिबल. मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शेयर्स फाइंड करना है मैक्सिमम प्राइस पे. इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज टू बी अरेंज. अभी स्टूडेंट क्वेश्चन में जब इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट टू बी अरेंज, तो 100% इसमें ऐसा होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट होगा. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होगा वी हैव द नेगेटिव बैलेंस. द कंपनी डिसाइड टू यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस टू द मिनिमम एक्सटेंट. इसने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस को आप मिनिमम यूज करना. इसका दूसरा ये मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से पहले जो भी आपके पास रिजर्व में पैसे हैं उनको आप यूज कर लेना. आज जितना जरूरत जितना शॉर्टेज होगा वही पैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस से ले. पास द जर्नल फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट. एज यूजुअल क्वेश्चन से यहां पर बैलेंस शीट भी है. अब स्टूडेंट ये एक तरह से हम लोग वर्किंग नोट ड्रॉ करते हैं, जर्नल एंट्री एंड देन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का वर्किंग नोट एंड देन रियल बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का वर्किंग नोट ड्रॉ हो गया तो रियल बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहां तो जस्ट वी कॉपी द डेटा, हम लोग डेटा को वहां पर कॉपी करते हैं, वहां कुछ अलग नहीं करना रहता. अब फर्स्ट वी कंप्लीट दिस. अब इसको कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स होना चाहिए टू बी बायबैक. लेकिन इस पूरे क्वेश्चंस में कितना शेयर्स बायबैक करना है ये तो कहीं पर आपको दिया नहीं है. तो यहां पर फर्स्ट वर्किंग करेंगे एंड वर्किंग से वी डिसाइड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक कि हम लोग कितना शेयर्स बायबैक कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाय लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. ओके स्टूडेंट, सोर्स ऑफ फंड फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम. देखो स्टूडेंट फ्री रिजर्व में हमारे पास क्या क्या है. तो फ्री रिजर्व में स्टूडेंट फ्री रिजर्व में देखो जनरल रिजर्व का 8 लाख, 8 लाख जनरल रिजर्व का. प्रॉफिट एंड लॉस का 4 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का 320. ये सबको प्लस कर दो 10, 12, 13, 14, 15 15,20,000. ओके स्टूडेंट, देन नंबर टू 25% ऑफ ओन फंड.
अब ओन फंड में क्या है स्टूडेंट, शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल देखते हैं स्टूडेंट कितना है, तो शेयर्स कैपिटल आप देखोगे स्टूडेंट तो शेयर्स कैपिटल वी हैव 40 प्लस 20 60 लैक्स तो यही है। फ्री रिजर्व दिस 48 लाख, सॉरी 4 एंड 8 12 लाख प्लस सिक्योरिटी 320, जो भी आता है उसका 25%। अब देखो यहां पर 72 प्लस 320 75 लाख, 75 20 उसका 25%। $18,80,000 नंबर थ्री इज ओन फंड, $75,20 माइनस हाफ ऑफ 45। बोरोड फंड में देखो क्या क्या आपके पास दिया है स्टूडेंट। बोरोड फंड वी हैव द 40 लाख, यस 11% डिवेंचर सिर्फ आपको यहां पर उसने दिया हुआ है 11% डिवेंचर। तो 75 लाख 20,000 माइनस 20 लाख विच इज 55 लाख, 55 लाख 20,000। डेप्थ इक्विटी रेशियो है स्टूडेंट, डेप्थ इक्विटी का डबल अलाउड है आफ्टर द बायबैक। तो हम लोग यहां पर कंडीशंस को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, पूरा कर रहे हैं। नंबर फोर है 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। ऑफर प्राइस तो है नहीं, ऑफर प्राइस तुमको खुद से फाइंड करना है। वी हैव द 40,000, देखो क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपको पास, 44 लाख हैं, 40,000 शेयर्स इनटू 100 तो 10,000 शेयर्स। स्टूडेंट हम लोगों को इसमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेना, जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा दैट इज मैक्सिमम अमाउंट फॉर अस फॉर द बायबैक। 15 लाख 20 है, 18 लाख 80 है, 55 लाख 20 है, तो दिस इज अ लिस्ट। मतलब मैं मैक्सिमम 15 लाख 20,000 का बायबैक कर सकता हूं, ऑफर प्राइस नहीं दिया है। अगर ऑफर प्राइस दिया होता तो इसको जो मैंने किया 25% ऑफ शेयर्स इनटू ऑफर प्राइस, तो यहां पर भी मुझे स्टूडेंट एक रुपीज मिलता, वो नंबर्स ऑफ शेयर्स नहीं मिलता, रुपीज मिलता। अब फिर मैं उसमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग को लेता,
और ऑफर प्राइस से डिवाइड करता तो मुझे नंबर्स ऑफ शेयर्स मिलता। यहां पर मेरे पास ऑफर प्राइस नहीं है तो मुझे नंबर्स ऑफ शेयर्स मिला। अब यहां पर इसका मतलब ये कि मैं मैक्सिमम 15,20,000 का बायबैक कर सकता हूं और मैं मैक्सिमम 10,000 शेयर्स बायबैक कर सकता हूं। वंस अगेन से रिपीट, इन टर्म्स ऑफ रुपीस 15,20,000 रुपीस का बायबैक कर सकता हूं और नंबर्स ऑफ शेयर्स मैक्सिमम 10,000 शेयर्स बायबैक कर सकता हूं। तो हम ऑफर प्राइस फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम प्राइस 2B 15,20,000 डिवाइड बाय 10,000 शेयर 152 पर शेयर। मतलब एक शेयर का कॉस्ट कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 152, जिसमें से 10,000 × 100 10 lakhs का प्रीमियम ₹10,000 × 52 5,20,000 का क्या हो जाएगा प्रीमियम। ओके स्टूडेंट, तो 10 लैक्स का शेयर्स कैपिटल और 5,20,000 हमको सामने वाले को क्या देना पड़ेगा स्टूडेंट, प्रीमियम देना पड़ेगा और इस तरीके से 15,20,000 का हम बाय करते हैं। यहां स्टूडेंट हम लोगों को शेयर्स मालूम पड़ा, प्राइस मालूम पड़ा। जब ये हम लोगों को मालूम पड़ा तो वी कंप्लीट दिस, इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट। 10,000 शेयर्स 100 रुपीज से 10 लैक्स, 10,000 शेयर्स 50 से 5,20,000। अब ये 10 लैक्स रुपीज स्टूडेंट हम कहां से अरेंज करेंगे, फ्रेश इश्यू और किसे, डिविजिबल से। देखते हैं फ्रेश इश्यू में कुछ दिया है क्या स्टूडेंट आपको, तो देखोगे तो फ्रेश इश्यू में कुछ नहीं दिया है, मतलब एंटायर फंड वी अरेंज फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट में देखोगे उसने ऑलरेडी क्लियर किया कि मिनिमम प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करना है, मतलब बाकी को आपको मैक्सिमम यूज करना है। जनरल रिजर्व में भी है द 8 लाख रुपीज, हम लोगों को फिलहाल 10 चाहिए, जनरल रिजर्व में 8 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व का 8 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस से फिर हम लोग 2 लाख यूज करेंगे स्टूडेंट, 2 लाख। प्रीमियम का स्टूडेंट हम लोगों को 5,20,000 देना है। प्रीमियम होता है एग्जिस्टिंग और फ्रेश इशू, फ्रेश इशू तो है ही नहीं हमारे पास, पहले से स्टूडेंट 3,20,000 का प्रीमियम है, 3,20,000 का प्रीमियम है आपके पास स्टूडेंट, 3,20,000 का प्रीमियम है, 520 चाहिए, 2 लाख रुपीज कम पड़ेगा, 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट आपके पास कितना अमाउंट था, तो प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट 4 लाख रुपीज हमारे पास था, 2 लाख हमने यहां यूज किया तो 2 लाख यहां पर हम लोगों ने यूज कर। आई होप ओके स्टूडेंट, किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब एज यूजुअल जर्नल, जर्नल के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इश्यू, बायबैक ड्यू, मीटिंग द प्रीमियम, पेमेंट, ट्रांसफर। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्रेश इश्यू नहीं है,
तो हम लोग करेंगे बायबैक डी। अब ड्यू में मैं समझाता ये हूं स्टूडेंट कि हम आज बायबैक कर रहे हैं, हमने लोगों से पैसा लिया था, क्रेडिट साइड में लिखा था, आज बायबैक करना है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट साइड। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक 5,20,000 टू इक्विटी शेयर्स होल्डर 15,20,000। नरेशन हो जाएगा स्टूडेंट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर्स होल्डर, जो हमारा कैपिटल क्रेडिट बैलेंस था उसको हमने डेबिट कर दिया और हमने एक नया लायबिलिटी क्रिएट किया एज ए इक्विटी शेयर्स होल्डर। हमको पेमेंट किसको करना है, इक्विटी शेयर्स होल्डर को, तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपना क्या बना दिया, क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम लोग मीटिंग द प्रीमियम। स्टूडेंट देखो, एक प्रीमियम के कारण हम लोगों को लॉस हुआ, हमने पब्लिक को एक्स्ट्रा पैसा देना डिसाइड किया है, दे रहे हैं, तो उस लॉस को कहां से एडजस्ट करोगे, तो लॉस को स्टूडेंट हम शेयर्स प्रीमियम से ही एडजस्ट कर रहे हैं और बैलेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर रहे हैं एडजस्ट। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस स्टूडेंट क्रेडिट बैलेंस होता है, यहां से हमको पैसे एडजस्ट करना है तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,20,000, इसी को तो हमको इलिमिनेट करना है तो इसको क्रेडिट कर देते हैं, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। नरेशन मैंने बार बार शुरू में बताया, नरेशन कुछ अलग नहीं लिखना है आपको, यहां पर लिखना है बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स एडजस्टेड थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस। किसको कहां से आपने एडजस्ट किया, कहां से दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से दिया और प्रॉफिट एंड लॉस से दिया। नेक्स्ट वन इज पेमेंट, हम लोग किसको पेमेंट करने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स होल्डर को, एक क्रेडिट बैलेंस है ना, इसको पेड करेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 15,20,000 बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर्स होल्डर, कि हमने इक्विटी शेयर्स होल्डर को क्या किया, पेमेंट किया। ट्रांसफर टू सीआर, अब जो भी फंड हम लोग डिविजिबल से ट्रांसफर करेंगे, डिविजिबल से जो लेंगे हम लोग, वो हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे, सीआरआर में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व से कितना, 8 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 लाख टू सीआर। नरेशन इज बीइंग सीआरआर क्रिएटेड थ्रू ट्रांसफर टू
जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस की सीआरआर हम लोगों ने क्रिएट किया किस तरीके से, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप यहां पर आपका वर्किंग फिनिश एंड जर्नल फिनिश। अब इसी के हेल्प से स्टूडेंट आपको बैलेंस शीट करना है। आई होप इतना सभी लोगों को समझा होगा। ओके स्टूडेंट, अब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी स्टूडेंट कुछ मिरेकल नहीं होने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला है, कुछ नया नहीं होने वाला है। सिर्फ इतना आपको करना है कि आफ्टर द बायबैक आज स्टेटस क्या है, क्या प्लस है क्या माइनस है, उसी चीज को आपको ना यहां पर रिकॉर्ड करना है। इसमें कुछ अलग हम लोग करने वाले नहीं। तो अब स्टूडेंट अगर आप देखोगे शेयर कैपिटल, तो आप शेयर्स देखोगे स्टूडेंट, तो पहले हमारे पास शेयर्स कितना था, तो हमारे पास शेयर्स 40,000 था। 40 में से 10 बायबैक कर लिया ना, 40,000 शेयर्स था, 10 बायबैक, तो ये हो गया 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10, विच इज 30 लैक्स। ये हो गया 30 लैक्स। देन प्रेफरेंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं, प्रेफरेंस के अंदर हम लोगों ने ना तो प्लस किया ना तो माइनस किया। अगर हमने इश्यू किया होता प्रेफरेंस तो डेफिनेटली उसमें प्लस हो जाता, तो हमारे पास सिर्फ 20,000 ही था। 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज कितना था आपके पास, प्रेफरेंस शेयर्स ये भी 100 था, प्रेफरेंस शेयर्स 100 विच इज 20 लाख। तो ए हो गया स्टूडेंट आपका 50 लाख। ओके, देन रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टूडेंट सबसे पहले सीआरआर। अब मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जिस्टिंग सीआरआर नहीं रहता है, लेकिन यहां पर है। तो आप देखोगे स्टूडेंट कि आपके पास पहले से भी आपको सीआरआर दिया हुआ है, और पहले से आपके पास सीआरआर कितना दिया हुआ है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख पहले से आपको उसने दिया हुआ है सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। पहले से 4 लाख दिया है और आपने 10 लाख का नया सीआरआर क्रिएट किया, तो ये स्टूडेंट आपका सीआरआर हो गया 14 लाख। अब अगर आप अपना बैलेंस शीट, आपको अपना बैलेंस शीट सामने रख के सॉल्व करते जाना है, आप देखोगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम 320, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 320 था स्टूडेंट, लेकिन 320 का 320 यूज हो गया। फिर आप देखोगे जनरल रिजर्व 8 लाख, जनरल रिजर्व 8 लाख यूज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे 4 लाख, 2 लाख प्लस 2 लाख वो भी क्या हो गया, यूज हो गया। मतलब जो आपके पास पहले से रिजर्व था वो सारे रिजर्व यूज हो गए, वो डिविजिबल थे वो नॉन डिविजिबल सीआरआर में क्या हो गया, एक तरह से कन्वर्ट हो गए, अभी आपके पास कुछ नहीं। तो नेक्स्ट आप जाओगे लॉन्ग टर्म में, 11% डिवेंचर। डिवेंचर में भी कोई मूवमेंट नहीं है स्टूडेंट, 40 लाख। शॉर्ट टर्म बोरिंग जब आएगा तब मैं लिखूंगा, इसमें आता क्या है एक्चुअल में, बैंक ओवर ड्राफ्ट अमाउंट जब कैलकुलेट करेंगे देखेंगे। तब ट्रेड पेबल में स्टूडेंट क्रेडिटर, क्रेडिटर्स है स्टूडेंट 41,60,000, 41,60,000 यस। अब फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, फिक्स एसेट्स है स्टूडेंट 1 करोड़ 20 लाख। इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट 8,80,000,
इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में स्टूडेंट वी हैव द स्टॉक एंड दिस स्टॉक इज 14 lakhs. Then trade receivable, debtors, and this debtors is also 14 lakh student, 14 lakhs. And last one is student cash bank. अब student cash bank, मैं यहां पर एक ledger बना देता हूं. या वी हैव द स्पेस सर, यहां पर ज्यादा स्पेस है तो मैं यहां पर बना देता हूं कैश बैंक. ऑलरेडी स्टूडेंट हमारे पास 4 lakhs रुपीज है तो मैंने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस 4 lakhs. अब आपको जस्ट करना क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट टू लास्ट आप जर्नल देखते जाओ. और अगर कैश डेबिट साइड में है इसका मतलब कैश आपके पास आया, और कैश क्रेडिट में है मतलब आपने पेमेंट किया. तो प्लस माइनस कर लो आपको मालूम पड़ जाएगा. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री स्टूडेंट कोई कैश बैंक नहीं है, सेकंड जर्नल एंट्री कैश बैंक नहीं है, थर्ड में पेमेंट है स्टूडेंट क्रेडिट साइड बाय इक्विटी 15 lakhs 20,000. That's it. Nothing, student. तो negative balance हो जाएगा student. हमारे पास से 4 lakhs रुपीज सिर्फ था और हमने payment किया 420 का, मतलब 1,120 हमारे पास negative हो जाएगा. यहां भी मैं कर सकता था, काफी कम उसमें था 4 lakhs 15 lakhs 20. तो 1120 स्टूडेंट निगेटिव बैलेंस हो गया. ये तो मेरा कैश बैंक है, निगेटिव बैलेंस यहां नहीं आता. निगेटिव बैलेंस आपके लिए क्या हो गया, ओडी 11 lakhs 20,000. दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन. अब यहां पर स्टूडेंट स्पेस नहीं हो रहा है कि मैं रियल बैलेंस शीट ड्रॉ करूं, लेकिन बट अगेन और अगेन रिपीट कि उसमें कुछ भी नहीं करना है, यही डेटा वहां पे सिर्फ क्या करना है आपको कॉपी करना है, दैट्स इट. इसके लिए वो बैलेंस शीट में ड्रॉ नहीं कर रहा, वो आपने खुद से करना है. हम लोगों ने इंटरनल में भी बनाया है, इस समय भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने ड्रॉ किया था और आगे भी मैं किसी क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में ड्रॉ करूंगा. तो आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा आपको, नहीं समझा होगा तो प्लीज आप कॉल करो, दो बार तीन बार आप वीडियो को प्ले करके देखो, 100% यू विल अंडरस्टूड. तो एक छोटा सा चैप्टर है स्टूडेंट विच इज 15 मार्क्स के लिए और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. फर्दर स्टडी कोई भी करोगे ना, सी ए आईसीडब्ल्यू एस सी एस, यू विल सी द सेम चैप्टर्स आपको वहां पर भी मिलेगा. थैंक यू स्टूडेंट.